बताते चलें कि विगत दिनों ललितपुर जिले के ग्राम सौजना में जमीनी वाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जिसकी आज मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि 6 दिन पूर्व थाना सौजना अंतर्गत गाँव के कुछ युवकों द्वारा खेत पर जाते समय एक युवती से अश्लील बर्ताव का मामला सामने आया था, जिसका विरोध करने पर उसके पिता से मारपीट की गई थी, जिसकी झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सौजना पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पीड़ित परिजनों द्वारा नाम दर्ज शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारी आक्रोश दिखा। पीड़ित परिजन झांसी से शव को गाड़ी में रखकर सीधे जिलाधिकारी आवास पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिस विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ तैनात थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने पीड़ित परिजनों को काफी समझाया और समय से शव का दाह संस्कार किए जाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने मामले में धाराएं बढ़ाने एवं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का भी भरोसा दिलाया। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मृतक परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सर, हमारी जो बच्ची जा रही थी खेत पर, तो इसने नीरज, राकेश, बाल किसान जो बदतमीजी की बातें करी रास्ता में, इसका पता दूलता हार में मूंग के पास मूंग बोई है, तो उसने देखा कि जी बहन जी किसकी बातचीत गंदी वातावरण हो रही थी, तो 500 मीटर की दूरी है जहाँ पे इनकी बातचीत ये हो रही थी, तो इसने देखा तो ये आया तो भी मतलब इसकी मारा पिट्टी पे लग गए। तो उन लोगों ने और अपने घर परिवार के बुला लाए, घर परिवार के बुला के और इसकी बेरहमी से मार पिट्टी करी, उसकी माँ की भी करी, उसको लड़की की भी मार पिट्टी है, घायल हुआ था, कुल्हाड़ी से मारा, सीधा राठों कुल्हाड़ी से मारा। अभी कुछ नहीं हुआ प्रशासन के, जहाँ 5-6 दिन हो गए अभी, झांसी में मृत्यु हो गई, वहाँ से मौत हो गई और पोस्टमार्टम किया था ना, हाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अभी छह दिन हो गए, आज बोल रहे कि अभी 3 गिरफ्तार हुए 6 दिन में, आज की 3 क्या मांगे आप? हमारी ये मांगे का उनका सही फैसला भाई चेक जी है, सभी लोग गिरफ्तार रखिए, धारा ठीक से लगे हैं। हमारी बच्चे भी शादी को है, साथ भी शादी पक्की करने जा रहे थे हम। हमारा सर इन गांव के कुछ लोगों ने मारा था और अभी झांसी से मेहरों ने सिर भर करके ललितपुर किया, तो ललितपुर सिर पर झांसी हो गए थे, वहाँ 4-5 दिन भाती रहे और वहाँ पर बाद में कल खत्म हो गए 12:30 बजे। हमारी सर का नाम से 300 रुपये की मांग है, उसकी बच्ची शादी को, शादी की पक्की उसी दिन हो रही थी, इन लोगों ने धोखे से मारा सर का नाम से, चेत में से दुख के मारा इन लोगों, पीछे से बार किया है सर। कितनी सर? हमको तो पता नहीं, हम वहाँ अस्पताल में थे, हमको पता नहीं कितने पे है। पुलिस सर ये कह रहे हैं कि आप घर जाओ, उनका संस्कार कीजिए, हम देख रहे हैं करेंगे कि नहीं करेंगे हमको पता नहीं है साहब जी, क्योंकि हमारा साहब जी हमको विश्वास तो है लेकिन अब साहब को पता नहीं, देखते हैं 2-3 दिन की कह रहे हैं साहब जी, 2-3 दिन बाद फिर देखते हैं साहब। पापा खेत पे हते मूंग ले, मूंग गए थे, पापा कल लगे बेटा खाना लेके आ जाना, खाना लेके जा रहे थे, राकेश गली में आके मुझको छेड़ने लगा और फिर धीरे धीरे सभी लोग आके मुझको पकड़ने लगे, मैं चिल्लाई, मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा आए मुझको बचाने से, पापा के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया पहले, फिर कुल्हाड़ी मारी सिर में से, उनको काफ़ी चोट आई, फिर वहीं पर वो गिर गए, फिर उनको पूरी तरह से मारा, फिर मुझको भी मारा, वो मेरे साथ बदतमीजी करी, पूरे कपड़ा फाड़ दिए और मेरा, मैं मोबाइल लेती मैंने मोबाइल भी छुड़ा लिया, फिर मेरी मम्मी आई, सो मम्मी का मंगलसूत्र तोड़ के ले गए, मेरी रिंग सब कुछ ले गए, पैसा भी ले गए, 50,000 रुपया।